शादी एक पवित्र बंधन है, यह रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है, लेकिन प्रेम से शुरू हुआ रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं परिवार परामर्श केंद्र में, जहां आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं फरियादी हैं वो अपनी समस्या लेकर यहां पहुंचे हैं। अमूमन यहां सलाह दी जाती है कि किसी का रिश्ता है वो ना टूटे। इस बात को लेकर के यहां तमाम दोनों पक्ष हैं वो अगर आते हैं। हमारे साथ परामर्श केंद्र के जो प्रभारी हैं अंशुमान शुक्ला जी, वो समय मौजूद, हम उसे ही बात करेंगे कि सर जो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच रहे हैं, अमूमन देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया एक बड़ा वजह बन गई है और अब रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच रहे हैं, आखिर क्या वजह आ रही है और किस तरह के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? बड़ा दुख होता है जब सप्तपति से दिए गए वचन, गृहस्थ धर्म की मर्यादाएँ टूट जाती हैं और महिला बहुत कष्टों के बाद यहाँ आती होगी। कोई महिला जब पुलिस थाने जाती है, तकलीफ़ों का जब अंबार लग जाता होगा, पराकाष्ठा हो जाता होगा, तब लक्ष्मण रेखा पार करके यहाँ आती है। परिवार परामर्श केंद्र में सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग प्रयास करते हैं, पुलिस अधिकारी प्रयास करते हैं कि आमने सामने बिठाकर बात की जाए, संवाद संपर्क समन्वय बनाया जाए। CBT कम्युनिटिव बिहेवियरल थेरेपी आमने सामने बिठाकर विवाद के बिंदुओं को समाप्त करके सुखमय वैवाहिक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण के साथ सकारात्मक पक्षों को प्रस्तुत करना, एक दूसरे के अच्छाइयों का अवलोकन करना, अनुगमन करना, एक दूसरे के जीवन में किस प्रकार खुशहाली आ सके, सुख शांति समृद्धि आ जाए, ऐसा प्रयास परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से किया जाता है। यहाँ लगभग प्रतिदिन 10 से 20 आवेदन आते हैं, उनमें उसी समय फ़ोन करके दूसरे पक्ष को बुलाते हैं और ये प्रयास करते हैं कटुता बढ़े, उसके पूर्व प्रयास हो जाए, लिखित आवेदन ना हो। मौखिक आवेदन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि लिखित आवेदन में कटुता की पराकाष्ठा हो जाती है। लेकिन सर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं, किस तरह के मामले सबसे ज़्यादा आते हैं, आखिर क्या वजह होती है कि एक दूसरे से अलग होना? परिचय के बाद मित्रता के बाद जब दोनों तय करते हैं कि अब हमको जीवन साथ रहना है, तो विवाह के आप उसमें गठबंधन में बैठते हैं। विवाह दो परिवारों के बीच में गठबंधन होता है और जब विवाह दुखद स्थिति पहुंच जाता है, घरेलू हिंसा की तनाव स्थितियां बन जाती हैं, तब यहाँ पर महिला आती है और फिर समझाने का प्रयास यहाँ किया जाता है। अगर सर आंकड़ों की बात की जाए तो क्या आंकड़े रहे होंगे? लगभग 10,000 पारिवारिक विवाद पिछले 15 साल में सिर्फ और सिर्फ परिचय और प्रेम के उपरांत किए गए विवाह के असफल होने के यहाँ पर आए हैं। क्या मानते हैं कि सर सोशल मीडिया भी एक बड़ी वजह है क्या? सोशल मीडिया से क्योंकि जो शुरुआत है, अमूमन जो केसेस अगर आते हैं तो किस तरह के केस होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ी वजह है क्या? सोशल मीडिया जो प्रेम की शुरुआत करता है, दोनों के बीच में संवेदना पैदा करता है, वही एक दिन भावनात्मक अलगाव पैदा करता है, शक और दोषारोपण प्रारंभ हो जाता है। सोशल मीडिया शुरुआत भी है और सोशल मीडिया अंत भी है। तो सर क्योंकि सफलता की बात की जाए तो अमूमन क्या सफलता रही होगी? परिवार परामर्श केंद्र में सफलता का प्रतिशत मात्र 28 है। 28% मामलों में दोनों ने सद्भावना के साथ समझौता किया है, शेष मामलों में अवसर दिया है और बहुत ज़बरदस्ती समझौते का प्रयास नहीं करते। जब तक मानसिक समाधान ना हो, इस बात पे कोई घटना घटित ना हो जाए, हम लोग समझौते की दिशा में बहुत ज़्यादा पहल नहीं करते हैं। जब स्थिति स्पष्ट है, सुरक्षा की पूर्ण वचन दिया जाता है, उसके बाद समझौता कराते हैं, अन्यथा ये प्रयास किया जाता है कि सुरक्षित बातचीत बाद में की जाएगी। तो सर आपसे और जानना चाहेंगे क्योंकि वो जो काउंसलिंग जब होती है तो दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, तो उस समय एक बड़ी समस्या होती है तो किस तरह से निपटाया जाता है इस समस्याओं को? अपनी भावना व्यक्त करना, अपने पक्ष को मजबूती के साथ प्रस्तुत करना, दूसरे पक्ष को परास्त करना, ये शब्दों का माया जाल यहाँ प्रस्तुत किया जाता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि सकारात्मक बातें हों, कटु बातें ना हो, एक दूसरे पर दोषारोपण से बचने का प्रयास करते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है कि दूसरों की अच्छाइयाँ देखें, दूसरों के अच्छाइयों को अवलोकन करें, तभी परिवार में संभावना सुखद हो सकती है। तो ये थे परिवार केंद्र के प्रभारी अंशुमान शुक्ला जी थे, जिनका साफ कहना है कि अभी तक जो प्रेम विवाह के जो आंकड़े अगर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। 10,000 से ज़्यादा जो प्रेम विवाह के जो हैं आवेदन है वो यहाँ पहुँचे हैं, जिनका अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 28% प्रतिशत ही रहा है समझौते। अब हमारे साथ सुप्रिया जैन जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं और क्या लगता है आपको कि आंकड़े जो है बहुत डरावने वाले हैं? अभी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि 51:49 का रेशियो चल रहा है, पत्नी प्रताड़ित पति ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें से
समस्याएं ये हो जाती हैं कि कई बार महिलाओं को जो पारिवारिक सपोर्ट मिलता है उस वजह से शादी के बाद जो विवाह में एडजस्टमेंट होना चाहिए, जो परिवार में कोई लड़की जाती है नए परिवार में, वहाँ पर परिवार से मिलती है, उसमें घुलने मिलने में जो समय लगना चाहिए या मिलना चाहिए वो समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मायके पक्ष का हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि केस स्टडी अगर आती है, अगर केस स्टडी की बात करी जाए तो संक्षेप में किस तरह के सबसे ज़्यादा मामले जो आते हैं? संक्षेप में बताऊं तो आपको केस स्टडी जाननी है। केस स्टडी की हम बात करें, जैसे मुझे देखा जाता है कि जो प्यार है लोगों का सोशल मीडिया के जरिए शुरू होता है और अंत भी वहीं पहुंचता है। अंत शुरुआत तो प्यार की सोशल मीडिया के थ्रू हम मान सकते हैं, अंत के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई पति पत्नी ऐसे आते हैं जो यहाँ पर ये शिकायत करते हैं कि मैडम मेरी पत्नी दिन भर फ़ोन में लगी रहती है या मेरा पति दिन भर फ़ोन में लगा रहता है और आपसी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपसी तालमेल, आपसी समझ नहीं बैठ पाती है और हमें समय नहीं देते हैं, जो समय की कमी जो एक दूसरे को पति पत्नी नहीं दे पाते हैं उसकी वजह से भी जो रिश्ते टूटते हैं वो एक मुख्य कारण बनता है। क्योंकि सोशल मीडिया जो आज के दौर पे एक आधुनिक दौर चल रहा है, तो जो कोविड के बाद से जो क्योंकि अपन रेशियो जो देख रहे हैं कोविड के बाद से लगातार और ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो केसेस अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या माने कि सोशल मीडिया एक बड़ा है? कह सकते हैं कि यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं उसमें विवाह विच्छेद के मुख्य कारण में एक कारण सोशल मीडिया भी है। देखिए जैसे आज वैलेंटाइन डे है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे बच्चियाँ घूमने निकलते हैं। आपने जो प्रेम विवाह टूटने की जो बात करी है बहुत कम समय में, उसमें जहाँ तक हम लोग का ऐसा अनुभव है कि सबसे पहले बच्चे और बच्चियाँ शारीरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, जबकि देखा जाए तो वास्तविक जीवन में सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होता है, जीवन यापन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगली बात यदि हम कहें प्रेम विवाह जो टूटने के कारण है, उसका ये भी कारण है कि अभिभावक पेरेंट्स जो पेरेंटिंग कर रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। यदि हम पेरेंटिंग की बात करें आज से 10 साल पहले या 10 साल के बाद भी देखते हैं तो पेरेंटिंग में जो अंतर आया है, तो पेरेंट्स की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है जो कि प्रेम विवाह के लिए बच्चे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगली बात हम ये देखेंगे जैसे विवाह जो टूट रहे हैं, प्रेम विवाह की आपने जो चर्चा की, जो प्रेम विवाह जो जल्दी टूटते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है समायोजन, एडजस्ट करना, दोनों को ही एडजस्ट करना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची है, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, तभी हम अपने इस वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। बात करें हम थोड़ा सा बच्चियों की, बच्चियां भी सभी अच्छी होती हैं मगर अपने अभिभावकों को, बच्चियों बच्चे दोनों को अपनी संस्कृति और जो भी उनके कल्चर हैं उनको अच्छे से बताना चाहिए, क्योंकि अपन ये कहते हैं यदि मान लीजिए हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो बहुत अच्छा जीवन यापन करता है। इसलिए प्रेम विवाह कोई गलत नहीं है, यदि इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं तो प्रेम विवाह भी सक्सेस होता है। क्या सोशल मीडिया और कम उम्र इसके पीछे एक बड़ी वजह मानते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया भी है, जैसे बच्चे आप देखिए जो सेलफोन का यूज़ कर रहे हैं, नेट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो पॉजिटिव है मगर बच्चे ज़्यादा नेगेटिव की ओर जाते हैं, नकारात्मकता की ओर, और चूंकि एज कम रहती है, और यदि मैं व्यक्तिगत बात बोलूँ तो अक्सर बच्चे जो पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह जा रहे हैं है ना, या जहाँ पर इनका ग्रुप बन रहा है तो उससे भी ये चीज़ें काफ़ी भारी मात्रा में आगे दिखाई दे रही हैं। कम उम्र भी एक प्रभाव डालता है, ना समझी में प्रेम हाँ, ना समझी में वो प्रेम विवाह कर लेते हैं जो कि बहुत जल्दी ही टूट जाता है।
जिसमें पारिवारिक दबाव भी नहीं रहता है, अभिभावक भी कुछ नहीं बोलते, भाई तुम्हारे पसंद की शादी है तो तुम लोग जानो, तो इससे डिप्रेशन भी बहुत हो रहा है, जो हमारे साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे हमको डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। और इसी के आगे फिर शिजोफ्रेनिक की बात आ जाती है, अपने में मस्त रहना, सिंगल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो प्रेम विवाह करें लेकिन समझदारी। हाँ, प्रेम विवाह कोई गलत नहीं है, दोनों अच्छे से मानसिक रूप से परिपक्व रहे, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को दोनों बराबर से साझा करें, तो प्रेम विवाह कोई गलत नहीं।